सो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक 998 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी आपका नया एटीएम मिला हुआ है या आप बहुत दिनों से एटीएम मिला हुआ है लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किए हैं, चाहे ऑनलाइन कोई सामान परचेस नहीं किए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उस एटीएम का ई कॉमर्स एसएमएस भेज करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी सामान परचेस करने के लिए आप अपने एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में एसएमएस एप्लीकेशन को ओपन करना है। स्टार्ट चैट के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों जिस नंबर को भेजना है पहले वो नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे नंबर आपको बता देता हूँ, 092 फिर 239 66 66 66। ओके, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। ये नंबर आपको डाल लेना है। यहाँ पे डालने के बाद में अब यहाँ पे आपको मैसेज में टाइप करना है SWONECOM, अपने डेबिट कार्ड का 4 अंक लास्ट का इसमें आपको पेस्ट करना है, ठीक है, डाल देना है। तो मैं अपना एटीएम कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डाल देता हूँ। अब इस मैसेज को यहाँ से भेज देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मैसेज में भेज दिया हूँ। भेज देने के बाद में आप थोड़े ही देर के अंदर उधर से भी एक कंफर्मेशन का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। देयर कस्टमर दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू एसएमएस मोड, काइंडली योनो लाइट एन वी एटीएम विजिट ब्रांच टू अवेलेबल फैसिलिटी टू स्विच ऑन स्विच ऑफ SBI। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो है ये बोल रहे हैं कि आप SMS के माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं इस ATM को स्विच ऑन स्विच ऑफ। अपने योनो SBI अगर चलाते हैं तो उससे उसके मदद से या ATM मशीन के द्वारा आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप जो है यहाँ पे ये फैसिलिटी SMS वाला बंद हो चुका है। तो दोस्तों, आप यह करने की अब कोशिश ना करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।